सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, आज हमने हटा दिया है अपना पूरा दाढ़ी और रखा है हमने ताऊ वाली मूछ। सो आज हम है पू में। पू एक गांव है, रोड से, मेन रोड से 2 किलोमीटर ऊपर आपको आना पड़ेगा राइड करके, ड्राइव करके। तो वहाँ रुके हुए थे रात के, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कितने गंदे तरीके से हम सबकी हालत खराब हो गई थी, पूरे भीग चुके थे। रेनकोट था राइनोक्स का, उसने अच्छा काम किया। हमारे जो राइनोक्स का हमने ग्लव्स जो रखा था वो काम नहीं किया, क्योंकि वो वाटरप्रूफ था नहीं। सो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरे हाथ जो थे ना हम सबके नीले पड़ गए थे। सो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो देखो, ऊपर आई बटन में आ रहा है, वो जाकर के लास्ट एपिसोड आप देख सकते हो। सो आज हम पू से नाको होते हुए टावो पहुँचेंगे। तो अभी टाइम हो चुका है 12:25, आधे घंटे के अंदर हम यहाँ से निकलेंगे। और मौसम अभी भी खराब लग रहा है, कहीं हो सकता है बीच में हमें लैंडस्लाइड भी मिले तो रुकना पड़े, लेकिन ठीक है, ऊपर वाले पे ट्रस्ट है, खुद पे ट्रस्ट है। सो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं फटाफट। सो गाइज, ये था हमारा कमरा, देख रहे हो, दो दो आदमी उधर सो सकता था, दो आदमी यहाँ सो सकता था। तो भैया उधर सोए हुए थे, मैं इधर सोया हुआ था। कल योगेश जी भीग गए थे, इनके पास रेनकोट नहीं था, तो आज इंडियन जुगाड़। तो भैया के पास पॉलिथीन शीट था बड़ा सा, जो कल सामान पे आपने देखा था बंधा हुआ था, तो उसको इन्होंने निकाला है और उसको बना रहे हैं रेनकोट। तो स्लीव्स बन चुके हैं, स्लीव्स दिखाइए जरा जो बना। पहले पोंचो बन गया, पोंचो बन गया, पोंचो बन चुका है, ये देखो मस्त गले में जाएगा। और स्लीव भी बन चुका है, एक स्लीव बन चुका है, स्लीव भी बन गया, ये देखो बहुत सही। आवश्यकता की जननी। गाइस, अभी हमने मंगाया है आलू पराठा, देखो विद मक्खन, और जिस नजारे के साथ हम इसका लुत्फ उठा रहे हैं, देख लो वो नजारा भी। अभी निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो चुका है 1:10 दोपहर का। चलिए जीरो कर लेते हैं, कल 74 किलोमीटर हम लोग ने राइड किया था। चलिए भैया, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू भैया, बाय बाय। सो इस तरीके से हम पू से निकल चुके हैं 1:16 मिनट इन्हीं रास्तों से कल हम आए थे भीगते हुए, और आज धूप में इन्हीं रास्तों से वापस जा रहे हैं। वापस नहीं जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर के हम लेफ्ट हो जाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा, या अल्लाह, वाहेगुरु, वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। इस तरह से राइड की शुरुआत करते हैं। हमें कल ही नाको या टाबो पहुँच जाना था, लेकिन आपने तो देख ही लिया लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। सो हम नहीं जा पाए उस गाँव से, हम आ रहे हैं उस गाँव से, और जस्ट गाँव के ऊपर देख रहे हो कितना खूबसूरत स्नो कवर्ड पीक्स है। कुछ राइडर्स जो स्पीति करके आ रहे थे वो हमें कल मिले, उन लोगों ने बोला कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर तो रोड अच्छा है, लेकिन उसके बाद से आपको ऑफ रोड अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाएगा। यही वाला होटल में हम लोग रुके हुए थे, होटल शिप किला। इस जगह पे हमने फोटो क्लिक करवाया था, मैंने और प्रिया ने, पू जो लिखा हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं नीचे हाईवे पे, गांव से नीचे उतर चुके हैं। कल चढ़ने में इतना टाइम लगा, हमें उतरने में बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम इतनी जल्दी कैसे उतर गए। यार क्या लग रहे हैं ये माउंटेन्स, यार जबरदस्त। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। रुको मत, लैंडस्लाइड वाली जगह, निकलो यहां से। ये देखो कैसे पत्थर गिरा हुआ, देख रहे हो, इतना बड़ा पत्थर, अगर गिर जाए तो आदमी खत्म। भाई साहब देखो ये कितने बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, यार देखो कैसे लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। शिमला साइड से अगर आप एंटर कर रहे हो स्पीति के लिए, तो आपको कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप मनाली साइड से एंटर करोगे तो आपको रोहतांग के लिए परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती है। डबलिंग, एल्टीट्यूड 2518 मीटर,
शशांक SHA। सो गाइस ये जो नीचे आप रिवर देख रहे हो ये स्पीति रिवर है, इसके ऊपर बना हुआ है ये पुल। और ये पुल देख लो एक बार, तो ये आप बोल सकते हो डबलिंग ब्रिज बोल सकते हो, उसको डबलिंग वाला पुल बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपके व्हीकल का व्हीकल नंबर, जो ओनर है उनका नाम, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखवाया जाता है, रजिस्टर में लिखवाया जाता है। और यहाँ से आपको कैमरा बंद कर देना है, इसके आगे आपको जब तक आप चेक पोस्ट क्रॉस नहीं करते हो तब तक आपको कैमरा ऑन नहीं करना है। तो यहाँ से भी निकलते हैं क्योंकि अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है। और क्या, बस निकलते हैं यहाँ से। 20 minutes later। सो गाइज इस जगह पे हम रुके हुए हैं और ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है। इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलेगा देखने को। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, 360 लगा दिया है। चलिए गाइज लेट्स गो, इस जगह का लुत्फ उठाइए। ये जो आपको दिख रहा है देख रहे हो प्योर छतरी। इसे कहते हैं नजारा। क्या कहते हैं? नजारा। वाओ मैन वाओ, फैबुलस। आई डिड इट, लव यू चेतक। मजा आ गया गाइस, आपको भी मजा आ रहा होगा आई होप। ये फ्लैग्स जो है ना मेरे को बहुत सही लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये फ्लैग्स स्नो। वाओ ग्लो हॉर्न एट कर्व्स, यस सर, यस देखो सब स्नो है। हम उस हाइट पे पहुंच चुके हैं जो हम देख रहे थे नीचे से, देखो कलर ही चेंज हो गया पहाड़ों का, ऐसे लग रहा है मिट्टी वाला पहाड़ है। स्पीड इज नाइफ दैट कट्स लाइफ, क्या बात। इसे कहते हैं भाप रे भाप। ओहो वाओ मैन वाओ। पूरा स्नो जमा हुआ है रास्ते पे। अभी हमें इस माउंटेन के उस पार जाना है। देख रहे हो ये लोग पत्थर हटा रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। स्नो कवर्ड माउंटेन के बिल्कुल करीब आ गया आपका भाई राइड करते करते। अब बिल्कुल ये लोग चिपका के चल रहे हैं, चिपका के मत चल हरी, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलो भाई मेरे। पूरा भाई साहब ब्लैक आईज है। आएगा मजा, आ जाओ पूरा ब्लैक आईज। जाना कैसे है पहले ये देखो। ओ भाई साहब ये है ब्लैक आइस।
बिल्कुल भी ग्रिप नहीं आ रहा भाई, जूतों में ग्रिप नहीं आ रहा है, बूट्स में। रुक जाओ रुक जाओ, भैया कितने दूर तक है ये कितने दूर तक है? थोड़ा ही है ना, इस पे आओ, आराम से आना और एकदम स्लो चलो। अरे स्लो चल, पीछे आराम, मत चिपक कर मत चल, डिस्टेंस बना के चलो हरी। बिल्कुल पैर में ग्रिपिंग नहीं आ रही है। फाइनली हमने क्रॉस कर लिया। सो ये है मलिंग, एल्टीट्यूड है 3,624 मीटर, नाको 7 किलोमीटर। सो वो रास्ते से आ रहे, देख रहे हो पूरा स्नो से कवर्ड था वो माउंटेन। जो स्नो से कवर्ड माउंटेन है वो भी हमसे नीचे होने लगे हैं, तो सोचो कि हम किस हाइट पे जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट। सो गाइज, अभी जो स्टॉप लिया है हमने नाको में लिया है, और नाको के पास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। सो यहाँ जो भी आते हैं, रास्ते से गुजरते हैं, वो नाको के ये जो जगह है यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट खाने पीने की सब चीज़ें मिल जाएंगे। सब चीज़ें क्या मतलब कि पराठे, मैगी, मोमोज, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो पहाड़ों में मिला करती हैं। सो अभी टाइम हो चुका है 4:15 हो रहे हैं। सो हमने ऑर्डर किया है मैगी, ये जो जगह है यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है ये है, और यहाँ से लोकेशन देखो पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा माउंटेन जो है स्नो से कवर्ड है। ये गांव जो दिख रहा है ये है नाको विलेज, यहाँ पे एक बहुत फेमस झील है, तो वो हम वापसी में ज़रूर से कवर करके आपको दिखाएंगे। नज़ारे के साथ मैगी खाने का कुछ मज़ा ही अलग है, देख रहे हो नज़ारे, इन नज़ारों के साथ अपनी मैगी। चलिए गाइस, यहाँ मैगी खा लिया मैंने, मैगी का 30 रुपीज़ हुआ और एक चाय लिया था 10 रुपये, उसके 40 रुपये यहाँ खर्च हुए। फटाफट निकलते हैं, ठंडी बढ़ रही है और अभी दूरी ज़्यादा तय करनी है, विंडशील्ड खोल के ही चलाना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ हो गया है लैंडस्लाइड, तो उस रास्ता साफ़ किया जा रहा है, रास्ता साफ करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ओ माई गॉड, सी दिस शिट, बाप रे शिट मैन, कंधा लैंडस्लाइड हो गया यार। बाबा रे बाबा, हम भी जहाँ खड़े हैं ये भी देख के अब डर लग रहा है भाई साहब, यहाँ से भी गिर रहा है। एक नंबर पे करो और चाहते लो भाई, एक नंबर पे ही है। हाँ चलो, गाइस 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 गाइस, अरे यार रुको, पीछे आ जाओ भाई साहब, क्या लगी है यार। मेरे को तो आदत है भाई ये 1 नंबर गियर पे चढ़ाना। कैसा चढ़ाया मैंने? सो गाइस ये देखो,
दिखाता हूँ आपको कुछ। देखता हूँ तोड़ के टूटता है क्या। ये महेशपति, ये महेशपति, जय महेशपति। टूट गया रे। सो गाइज, ये जो वाटर बॉटल में पानी देख रहे हो ना, ये वहाँ से मैंने भर के लाया, अभी वहाँ से भर के आया, वहाँ से तो पहाड़ों की पानी पी रहे हैं, बहुत मीठा है यार। कैसा लगा सर? लैंग्वेज चेंज हो गया। अच्छे अच्छे फिल्टर से भी अच्छा, बेटर फिल्ट्रेशन है इसकी, और चिल्ड है भाई। महेश, तुझे कैसा लगा? बहुत मजा आया। मजा आया वो तो सबको पता है, तुझे बहुत मजा आया, लेकिन उसके अलावा भी क्या लगा तेरे को? ये पानी तो बहुत प्यूरिफाई है। तो बिना पिए हुए बकचोदी मत पेल, समझा? बिना पिए बकचोदी ना कर। इट्स अ रियल, इट्स अ रियल मिनरल वाटर। यस, मेरी जवान भी ठंडी हो गई है, चल नहीं रही है। 1 मिनट आई एम टेस्टिंग। साला मोटा पानी दिख रहा है, मोटा पानी, इतना पानी नहीं, डोंट से मोटा पानी, मोटा पानी, मोटा भाई। कौन बोला है वाटर टेस्ट नहीं रहता है? अरे मीठा लग रहा है भाई। अरे वाटर टेस्ट नहीं रहता, मीठा लग रहा है। हां, दिस इज टेस्टलेस। अच्छा तू अपने अपने लैंग्वेज में बोल। ए मनवासले लेपिना भैया, टेस्टलेस मस्त नहीं, सुपर नहीं। मैं तेलु सब्सक्राइबर और उन्होंने शशांक वीडियो चैनल सब्सक्राइब చేయండి మనోడే। देख रहे हो गाइस, वहां से हम पानी भर रहे हैं। भैया यहां से रास्ता कुछ है मतलब? देखो महेश लेके आ रहा है इस बार, बना हुआ है, सीधा जा रहे। घंटे के मशक्कत के बाद पूरा रोड साफ हुआ तो हमें निकलने दिया गया। हाँ, फाइनली हम यहाँ से निकले। अब देखते हैं आगे, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था मैं इतना डर डर के निकला हूँ वहाँ से, मैं ही जानता हूँ। स्लो शशांक बाबू, स्लो स्लो स्लो। Wow, look at the view man, शाम हो चुकी है। Wish you happy and pleasant journey, और सीधा अब जाएंगे इससे। लकड़ी का ब्रिज है भाई साहब। अरे बाप रे, जोड़ के बनाया हुआ है ये। चलो 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 चलो। अभी हमने रेस लगाया था, अरे यार मैंने रेस लगा दिया था। इस रोड पे रेस मत लगाना, ये हमने मजे मस्ती के लिए किया, आप मजा मस्ती ज्यादा मत करना। हमने बस लगा लिया, दिल किया कि लगाना चाहिए एक रेस, तो लगा लिया। नजारे नजारे, ये देखो नजारे, मजा आती है तो मजा लेने दो। ला 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 ला। जगह का नाम है शलकर। तो शलकर वालों, गो राइडर्स फैमिली की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। बिल्कुल नदी हमारे राइट हैंड साइड पे चल रही है, बिल्कुल साइड साइड, और अब हम लगता है इस नदी के साथ साथ ही चलते जाएंगे और ये हमें ताबो तक ले जाएगी। आज फिर अंधेरा होने लगा है। अभी तक हमने
71.6 किलोमीटर राइड कर लिया है, टाइम हो चुका है 6:26। दुर्घटना के कारण चार नशा, नींद, मोबाइल व तेज़ रफ्तार। खतरा, देखो यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है लगता है ये भी। ओ भाई साहब, यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। सोलो होलो सोलो होलो होलो सोलो चलो बब्बू। वेलकम सुमडो, दिस इज सुमडो। और यहाँ पे बंद करना होगा अपने को गोप्रो। 2000 years later. अभी हमने गोप्रो बंद किया था बिकॉज एक चेकपोस्ट था जहाँ पे फिर से आपका व्हीकल नंबर, आपका नंबर, आपका डिटेल सारा हिमाचल पुलिस के ऑफिसर ने लिया। सो उसके बाद से मैंने फिर चेकपोस्ट क्रॉस किया पूरा, उसके बाद फिर मैंने गोप्रो ऑन किया। और अभी यहाँ से 30 किलोमीटर है टाबो। सो हमें यहीं से जाना था अंदर, वहाँ जाते तो ग्यू मोनेस्ट्री, ये जो गेट दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ही अंदर जाना होता है तो ग्यू मोनेस्ट्री आता है। सो आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लौटते समय ज़रूर से करके आएंगे। राइनोक्स का जैकेट, सीरियसली गाइस, जैकेट एंड पैंट दोनों बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है, बिल्कुल ठंड नहीं लगने दे रहा है। ओके, हम अंदर किचन में आए हुए हैं, ये दीदी बैठी हुई हैं और ये हमारे लिए खाना बन रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये चिमनी, इससे पूरा वार्म हुआ पड़ा है रूम।